सुप्रभात बच्चों, आज का हिंदी कालांश में आप सभी को स्वागत है। आज हम व्याकरण पुस्तक से, इसमें जो विषय है शब्द रचना, इनमें से आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे संधि किससे कहते हैं। जब दो शब्द एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि का जो मेल हो जाता है उसे संधि कहते हैं। इससे एक नया शब्द बन जाता है। संधि तीन प्रकार की होती हैं, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन संधियों के बारे में नीचे कुछ जानकारियां दी जा रही हैं। पहले हम जानेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि किससे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से स्वर संधि होती है। ये पांच प्रकार की होती हैं। स्वर संधि पांच प्रकार की होती हैं, जैसे कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। पहले हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानेंगे। दो सजातीय स्वर, जैसे कि अ आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटी उ बड़ी उ, री, मिलकर सजातीय दीर्घ स्वर आ, दीर्घई, दीर्घौ, दीर्घरु हो जाते हैं। जैसे अ प्लस अ समन आ, उदाहरण देव युक्त अधिदेव समान देवाधिदेव। अ प्लस आ समान आ, उदाहरण पुस्तक प्लस आलय समान पुस्तकालय। आ प्लस अ समान आ, उदाहरण परीक्षा प्लस अर्थी समान परीक्षार्थी। आ प्लस आ समान आ, उदाहरण विद्या प्लस आलय समान विद्यालय। छोटी ई प्लस छोटी ई समान बड़ी ई, उदाहरण रवि प्लस इंद्र समान रविंद्र। छोटी ई प्लस बड़ी ई समान बड़ी ई, उदाहरण मुनि प्लस इस समान मुनिस। बड़ी ई प्लस छोटी ई समान बड़ी ई, उदाहरण मही प्लस इंद्र समान महेंद्र। बड़ी ई प्लस बड़ी ई समान बड़ी ई, उदाहरण रजनी प्लस इस समान रजनीस। छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ समान बड़ी ऊ, उदाहरण गुरु प्लस उपदेश समान गुरु उपदेश। गुरु प्लस उपदेश समान गुरु उपदेश। छोटी ऊ प्लस बड़ी ऊ समान बड़ी ऊ, उदाहरण सिंधु प्लस उर्मी समान सिंधुर्मी। बड़ी ऊ प्लस छोटी ऊ समान बड़ी ऊ, उदाहरण स्वयंभू प्लस उदय समान स्वयंभूदय। री प्लस री समान बड़ी री, उदाहरण पित्री प्लस ऋण समान पितृण। अब हम गुण स्वर संधि के बारे में जानेंगे। अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई होने पर दोनों मिलकर ए, छोटी ऊ या बड़ी ऊ होने पर दोनों मिलकर ओ, तथा री होने पर दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। जैसे अ प्लस छोटी ई समान ए, उदाहरण देव प्लस इंद्र समान देवेंद्र। अ प्लस बड़ी ई समान ए, उदाहरण सुर प्लस इस समान सुरेश। आ प्लस छोटी ई समान ए, उदाहरण महा प्लस इंद्र समान महेंद्र। आ प्लस बड़ी ई समान ए, उदाहरण रमा प्लस इस समान रमेश। अ प्लस छोटी ऊ समान ओ, उदाहरण सूर्य प्लस उदय समान सूर्योदय। अ प्लस बड़ी ऊ समान ओ, उदाहरण समुद्र प्लस उर्मी समान समुद्रोर्मी। आ प्लस छोटी ऊ समान ओ, उदाहरण गंगा
प्लस उदक समन गंगोदक, आ प्लस बड़ी उ समन ओ, उदाहरण गंगा प्लस उर्मी समन गंगोर्मी, अ प्लस री समन अर, उदाहरण देव प्लस ऋषि समन देवर्षि, आ प्लस री समन अर, उदाहरण महा प्लस ऋषि समन महर्षि। अब हम वृद्धि स्वर संधि के बारे में जानेंगे। अ या आ के बाद ए या अय आने पर दोनों मिलकर अय तथा ओ या औ आने पर दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। जैसे अ प्लस ए समान अय, उदाहरण एक प्लस एक समान एकाएक, अ प्लस अय समान अय, उदाहरण धन प्लस ऐश्वर्य समान धनैश्वर्य, आ प्लस ए समान अय, उदाहरण सदा प्लस एव समान सदैव, आ प्लस अय समान अय, उदाहरण महा प्लस ऐश्वर्य समान महेश्वर्य, अ प्लस ओ समान ओ, उदाहरण परम प्लस ओजस्वी समान परमौजस्वी, अ प्लस औ समान औ, उदाहरण परम प्लस औषध समान परमौषध, आ प्लस ओ समान ओ, उदाहरण महा प्लस ओजस्वी समान महौजस्वी, आ प्लस औ समान औ, उदाहरण महा प्लस औषध समान महौषध। अब हम यण स्वर संधि के बारे में जानेंगे। छोटी ई या बड़ी ई, छोटी उ या बड़ी उ, या री के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर छोटी ई या बड़ी ई का य, छोटी उ या बड़ी उ का व तथा री का र हो जाता है। जैसे छोटी ई प्लस अ समान य, उदाहरण यदि प्लस अपि समान यद्यपि, छोटी ई प्लस आ समान या, उदाहरण इति प्लस आदि समान इत्यादि, छोटी ई प्लस छोटी उ समान यु, उदाहरण प्रति प्लस उपकार समान प्रत्युपकार, छोटी ई प्लस बड़ी उ समान यु, उदाहरण नी प्लस उन समान न्यून, छोटी ई प्लस ए समान ये, उदाहरण प्रति प्लस एक समान प्रत्येक, छोटी ई प्लस अय समान यई, उदाहरण अति प्लस ऐश्वर्य समान अत्यैश्वर्य, छोटी ई प्लस ओ समान यो, उदाहरण दधि प्लस ओदन समान दध्योदन, छोटी ई प्लस औ समान यौ, उदाहरण मति प्लस औदार्य मत्यौदार्य, बड़ी ई प्लस अ समान य, उदाहरण देवी प्लस अर्पण समान देव्यर्पण, बड़ी ई प्लस छोटी उ समान यु, उदाहरण सखी प्लस उक्ति समान सख्योक्ति, बड़ी ई प्लस बड़ी उ समान यु, उदाहरण नदी प्लस उर्मी समान नद्योर्मी, बड़ी ई प्लस अय समान यई, उदाहरण देवी प्लस ऐश्वर्य समान देवैश्वर्य, छोटी उ प्लस अ समान व, उदाहरण अनु प्लस अय समान अन्वय, छोटी उ प्लस आ समान वा, उदाहरण सु प्लस आगत समान स्वागत, छोटी उ प्लस छोटी ई समान उई, उदाहरण अनु प्लस इति समान अन्विति, छोटी उ प्लस ए समान वे, उदाहरण अनु प्लस एषण समान अन्वेषण।
बढ़ी उ प्लस आ समान वा। उदाहरण बधु प्लस आगम समान बद्वागम। री प्लस अ समान र। उदाहरण पितृ प्लस अनुमति समान पितृअनुमति। री प्लस आ समान रा। उदाहरण पितृ प्लस आज्ञा समान पित्राज्ञा। री प्लस छोटी ई समान री। उदाहरण मातृ प्लस इच्छा समान मातृच्छा। अब हम अयधि संधि के बारे में जानेंगे। ए अय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर ए के स्थान पर अय, अय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे ए प्लस अ समान अय। उदाहरण ने प्लस अन समान नयन, से प्लस अन समान सायन। ठीक उसी तरह अय प्लस अ समान आय। उदाहरण नय प्लस अक समान नायक, गय प्लस अक समान गायक। ओ प्लस अ समान अव। उदाहरण पो प्लस अन समान पवन, भो प्लस अन समान भवन। औ प्लस अ समान आव। उदाहरण पौ प्लस अक समान पावक, पौ प्लस अन समान पावन। ओ प्लस छोटी ई समान अवी। उदाहरण पो प्लस इत्र समान पवित्र, औ प्लस छोटी ई समान आवी। उदाहरण नौ प्लस इक समान नाविक, औ प्लस छोटी उ समान आवू। उदाहरण भौ प्लस उक समान भावुक। अब हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे व्यंजन संधि किससे कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार यानी कि परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के नियम नीचे दी जा रहे हैं। देखिए क हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत, प हलंत। व्यंजनों के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण अथवा यह हलंत, र हलंत, व हलंत अथवा स्वर आए तो क हलंत का ग हलंत, च हलंत का ज हलंत, ट हलंत का ड हलंत, त हलंत का द हलंत, प हलंत का व हलंत हो जाता है। जैसे दिक प्लस अंबर समान दिगंबर, दिक प्लस गज समान दिग्गज, वक प्लस जाल वाकजाल, अच प्लस अंत समान अजंत, अच प्लस आदि समान अजादी, सट प्लस आनन समान सडानन, सट प्लस दर्शन समान सडदर्शन, सत प्लस वाणी समान सद्वाणी, सत प्लस आनंद समान सदानंद, सुप प्लस अंत समान सुबंत, उत प्लस योग समान उद्योग, तत् प्लस रूप समान तद्रूप। दूसरा नियम है क हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत, प हलंत के बाद नासिक्य व्यंजन जैसे कि न हलंत, म हलंत आए तो क हलंत का व हलंत, च हलंत का न्य हलंत, ठ हलंत का ण हलंत, त हलंत का न हलंत, प हलंत का म हलंत हो जाता है। जैसे प्राक प्लस मुख समान प्रांगमुख, बाक प्लस मय समान बांगमय, सट प्लस मुख समान सणमुख, सट प्लस मार्ग समान सणमार्ग, सत प्लस मार्ग समान सन्मार्ग, जगत प्लस नाथ समान जगन्नाथ, उत प्लस नति समान उन्नति, अप प्लस मय समान अम्मय। तीसरा नियम है म हलंत के बाद वर्गीय व्यंजन आने पर म हलंत के स्थान पर इसी वर्ग का
नासिक्य व्यंजन या अनुस्वर हो जाता है, किंतु य हलंत, र हलंत, ल हलंत, व हलंत, तालव्य स हलंत, मूर्धन्य स हलंत, ह आने पर अनुस्वर ही होता है। जैसे सम प्लस कल्प समान संकल्प, देखिए इस तरीके से दो प्रकार लिखा जाता है। ठीक उसी तरह सम प्लस गम समान संगम, सम प्लस तोष समान संतोष, सम प्लस पूर्ण समान संपूर्ण, किम प्लस चित समान किंचित, पम प्लस चम समान पंचम, सम प्लस यम समान संयम, सम प्लस रचक समान संरचक, सम प्लस लाप समान संलाप, सम प्लस वाद समान संवाद, सम प्लस सार समान संसार, सम प्लस हार समान संहार। चौथा नियम है त हलंत या द हलंत के बाद च या छ, ज या झ, ट या ठ, ड या ढ, ल आए तो त हलंत या द हलंत के स्थान पर क्रमशः च हलंत, ज हलंत, ट हलंत, ड हलंत, ल हलंत हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण समान उच्चारण, उत प्लस छेद समान उच्छेद, उत प्लस डयन समान उड्डयन, उत प्लस लास समान उल्लास, उत प्लस लेख समान उल्लेख, सत प्लस जन समान सज्जन, बृहत प्लस टीका समान बृहत टीका, तत् प्लस लीन समान तल्लीन, उत प्लस ज्वल समान उज्ज्वल, विद्युत प्लस छटा समान विद्युत छटा। व्यंजन संधि का पांचवा नियम है त या द के बाद ह आए तो दोनों मिलकर ध हो जाते हैं। जैसे उत प्लस हार समान उद्धार, उत प्लस हत समान उद्धत, उत प्लस हरण समान उद्धरण, तत् प्लस हित समान तद्धित। छठा नियम है त हलंत या द हलंत के बाद तालव्य स आए तो दोनों मिलकर छ हो जाते हैं। जैसे उत प्लस श्रृंखल समान उच्छृंखल, उत प्लस श्वास समान उच्छ्वास, उत प्लस शिष्ट समान उच्छिष्ट, सत प्लस शास्त्र समान सच्छात्र। सातवां नियम है स्वर के बाद छ आए तो छ का छ हो जाता है। जैसे आ प्लस छादन समान आच्छादन, परि प्लस छेद समान परिच्छेद, वि प्लस छेद समान विच्छेद, अनु प्लस छेद समान अनुच्छेद। इसका आठवां नियम है रि र हलंत मृधन्य स हलंत के बाद न आए तो न का ण हो जाता है। जैसे रि प्लस न समान ऋण, कृष प्लस न समान कृष्ण, त्रिस प्लस न समान तृष्णा, हर प्लस न समान हरण, विष प्लस नु समान विष्णु, भूष प्लस अन समान भूषण। इसका नौवीं नियम है तालव्य स हलंत या मृधन्य स हलंत के बाद त या थ आए तो त का ट और थ का ठ हो जाता है। जैसे आक्रिस प्लस त समान आक्रिष्ट, सस प्लस थ समान षष्ठ, प्रिस प्लस थ समान पृष्ठ, इस प्लस त समान इष्ट, तुष प्लस त समान तुष्ट, नस प्लस त समान नष्ट। अब हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे विसर्ग संधि किससे कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के नियम नीचे दिए जा रहे हैं। देखिए
पहला नियम जो है, विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स, ट या ठ आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स, त या थ आए तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य स हो जाता है। जैसे निह प्लस चल समान निश्चल, निह प्लस छल समान निश्चल, धनुहु प्लस टंकार समान धनुष्टंकार, निह प्लस ठुर समान निष्ठुर, मनह प्लस ताप समान मनस्ताप, निह प्लस तेज समान निस्तेज, निह प्लस तार समान निस्तार, दुह प्लस तर समान दुस्तर। इसका दूसरा नियम है, अह के बाद यानी कि विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा यह हलंत, रह हलंत, लह हलंत, वह हलंत, ह हलंत आए तो अह यानी कि विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे अधः प्लस गति समान अधोगति, सरह प्लस ज समान सरोज, तेजह प्लस मय समान तेजोमय, वयः प्लस वृद्ध समान वयोवृद्ध, अधः प्लस भाग समान अधोभाग, यशः प्लस दा समान यशोदा, मनः प्लस रथ समान मनोरथ, मनः प्लस योग समान मनोयोग, मनः प्लस रंजन समान मनोरंजन, पुरः प्लस हित समान पुरोहित। इसका तीसरा नियम है, छोटी ई विसर्ग या छोटी उ विसर्ग के बाद र आए तो छोटी ई विसर्ग का बड़ी ई और छोटी उ विसर्ग का बड़ी उ हो जाता है। जैसे निह प्लस रव समान निरव, निह प्लस रस समान निरस, निह प्लस रोग समान निरोग, दुह प्लस राज समान दुराज। विसर्ग संधि का चौथा नियम है, विसर्ग के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, ल, व, ह आए तो विसर्ग के स्थान पर र हलंत हो जाता है। जैसे दुह प्लस आत्मा समान दुरात्मा, निह प्लस उपाय समान निरुपाय, निह प्लस गुण समान निर्गुण, निह प्लस झर समान निर्झर, अंतः प्लस विरोध समान अंतर्विरोध, पुनः प्लस अपि समान पुनरपि, पुनः प्लस आगत समान पुनरागत, पुनः प्लस मिलन समान पुनर्मिलन, आसीहि प्लस वाद समान आशीर्वाद, निह प्लस जल समान निर्जल। इसका पांचवा नियम है, छोटी ई विसर्ग या छोटी उ विसर्ग के बाद क या ख आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे निह प्लस कपट समान निष्कपट, दुह प्लस कर समान दुष्कर, दुह प्लस प्रकृति समान दुष्प्रकृति, निह प्लस पाप समान निष्पाप, चतुः प्लस कोण समान चतुष्कोण, निह प्लस फल समान निष्फल। विसर्ग संधि का छठा नियम जो है, विसर्ग के बाद त या दंत्य स आए तो विसर्ग का दंत्य स हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते समान नमस्ते, निह प्लस तार समान निस्तार, निह प्लस संदेह समान निस्संदेह, निह प्लस संतान समान निस्संतान, दुह प्लस साहस समान दुस्साहस, निह प्लस सार समान निस्सार। विसर्ग संधि का सातवां नियम है, विसर्ग के पूर्व अ या आ हो तथा बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव समान अतएव। इसका आठवां नियम जो है, अह यानी कि विसर्ग के बाद क या ख, प या फ आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे अंतः प्लस करण समान अंतःकरण,
अंतः प्लस पुर समान अंतःपुर, मनः प्लस कल्पित समान मनः कल्पित, अधः प्लस पतन समान अधः पतन, प्रातः प्लस काल समान प्रातः काल, पुनः प्लस फलित समान पुनः फलित आदि। अब आइए इस पाठ का अभ्यास प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, संधि किससे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, जब दो शब्द एक दूसरे के पास आ जाते हैं तब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि का जो मेल हो जाता है उसे संधि कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, संधियां कितने प्रकार की होती हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर होगा, संधियां तीन प्रकार की होती हैं, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का दो उदाहरण है, देव प्लस अधिदेव समान देवाधिदेव, पुस्तक प्लस आलय समान पुस्तकालय। व्यंजन संधि का दो उदाहरण है, दिक् प्लस अंबर समान दिगंबर, दिक् प्लस गज समान दिग्गज। ठीक उसी तरह विसर्ग संधि का दो उदाहरण है, निह प्लस चल समान निश्चल, मनः प्लस ताप समान मनस्ताप। अब तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संधियों का विच्छेद कीजिए। पहला शब्द है निश्चल, इसका संधि विच्छेद करने से होगा निह प्लस चल। दूसरा शब्द है निष्पाप, इसका संधि विच्छेद करने से होगा निह प्लस पाप। ठीक उसी तरह महिंद्र, मही प्लस इंद्र, गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश, पत्राचार, पत्र प्लस आचार, पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, नीलाचल, नीला प्लस अंचल, देवर्षि, देव प्लस ऋषि, मन्वंतर, मनु प्लस अंतर, पित्रादेश, पितृ प्लस आदेश, सदैव, सदा प्लस एव, उज्ज्वल, उत् प्लस ज्वल, उद्घाटन, उत् प्लस घाटन, सदानंद, सत प्लस आनंद। इस तरह से हम इन सारे शब्दों के संधि विच्छेद कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, नीचे दी गए पदों की संधि कीजिए। पहला पद है षट प्लस मास, इसका संधि करने से होगा षण मास। ठीक उसी तरह तपह प्लस बन, इसका संधि करने से होगा तपोवन। भव प्लस उक समान भावुक, धनु प्लस टंकार समान धनुष्टंकार, निह प्लस आशा समान निराशा, परम प्लस अर्थ समान परमार्थ, राजा प्लस ऋषि समान राजर्षि, गण प्लस ईश समान गणेश, सम प्लस वाद समान संवाद, उत् प्लस हार समान उद्धार, अनु प्लस अय समान अन्वय, महा प्लस उत्सव समान महोत्सव, सत प्लस जन समान सज्जन, मनः प्लस ताप समान मनस्ताप, तथा प्लस एव समान तथैव। इस तरह से हम इन सारे पदों के संधि कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आप सब इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसका सभी प्रश्नोत्तरों को भी समझ गए होंगे। धन्यवाद।